अभी सुबह का समय है और माँ अपने पूजा के बर्तन को धो रही हैं। यहाँ माँ को बहुत आसानी लगती है तो माँ यहीं पर अपना सारा पूजा का बर्तन धो लेती हैं। और ये हमारा बरामदा है इस तरीके से यहीं पर माँ अपना काम कर लेती हैं। सुबह से माँ कुछ कुछ करते ही रहती हैं, कभी भी बैठती नहीं है, बस दोपहर में थोड़ा सा आराम करती हैं। और ये दुभी माँ ने तोड़ा है, ये माँ अपने भोलेनाथ को चढ़ाती हैं, कुछ मुझे भी दे देती हैं गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए और भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, और ख़ुद भी पूजा की डलिया में ये सारा तोड़ के रख लेती हैं, क्योंकि दुभी चढ़ाना अच्छा होता है। लोग कहता है गणेश भगवान को चढ़ाने से वो बुद्धि देते हैं और भोलेनाथ को चढ़ाने से वो जीवन दान देते हैं, वो दीर्घायु रखते हैं और कभी भी बीमारी नहीं आती घर में, तो इसलिए ये चढ़ाते हैं। हमारे स्कूल में भी सभी कोई चढ़ाते हैं तो मैंने स्कूल से ही सीखा और मैं यहाँ भी अपने गमले में भी लगाई हूँ और माँ भी बाहर से तोड़ के ले आती हैं। तो माँ लंबा लंबा वाला जो मेन दुभी होता है, मेन जो गणेश जी को चढ़ता है, वही लाती हैं माँ। तो यही हम लोग चढ़ाते हैं पूजा में और थोड़ी देर बाद माँ पूरा फूल तोड़ेंगी। आज मुझे नहीं तोड़ना है और थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं, तो आज माँ सारा फूल तोड़ेंगी और माँ पूजा करेंगी। फिर कल दिखाती हूँ माँ कैसे गेहूं को झटकती है, मैं भी उनसे सीखूँगी, क्योंकि मुझे आता तो नहीं, थोड़ा बहुत आता है लेकिन उसे अच्छा नहीं कहा जाएगा, तो मैं माँ से ही सीखूँगी। और एक दो और सब्ज़ी का भी आइटम मैं माँ से सीखूँगी तो वो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इस तरीके से माँ अपना कर रही हैं और फिर माँ थोड़ा सर ऊपर कीजिए हमारी मदर इन लॉ बहुत वर्किंग है, बहुत अच्छी हैं। अब अगले बार फिर वीडियो में माँ के ही साथ मिलूँगी, कुछ नए नए चीज़ों को लेकर के, जो सीखने की चीज़ है उसको लेकर के। जैसे कुछ कुछ काम होता है ना, एरकंच का पत्ता का सब्ज़ी होता है, वो सब कैसे बनाते हैं क्या, वो सब सीखूंगी। थोड़ा गेहूं झटकना हुआ वो सीखूंगी, और कुछ कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती तो मैं वो सब सीखूंगी माँ से और आप लोगों को शेयर करूंगी, क्योंकि जानना सभी को चाहिए इसलिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी ये गाय खा रही है, डर लगता है मुझे। बसा छे माँ? अच्छा, कोई बात नहीं, ज़्यादा तो इसका हो चुका।